नमस्कार बच्चों, मैं आज पांचवी पद्य भारत की धरती इस पद्य को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत की धरती, बच्चों भारत की धरती के बारे में आप क्या जानते हो? भारत की धरती के बारे में आप क्या जानते हो? हमारी धरती, हमारे इस पृथ्वी, हमारे देश दूसरे देशों के, विभिन्न देशों के कंपेयर किया तो हमारा देश बहुत सुंदर है। हमारे भारत की धरती बहुत सुंदर है। हमें दूसरे देशों से कंपेयर किया तो हमारा धरती बहुत खूबसूरती है, क्योंकि कैसे कि हमारे यह भारत की धरती को चारों तरफ से हरियाली से प्रकृति माता ने अपने हाथों से संवार कर रखी हुई है। इसीलिए ये हरा भरा रहने से हमारे देश विभिन्न देशों से बहुत सुंदर लगती है। इस हरियाली के साथ अनेक तरह के प्राणी पक्षी भी हमारे देश में रहते हैं और विभिन्न धर्मों के लोग हमारे देश में रहते हैं और विभिन्न प्रकार के और विभिन्न त्योहारों को भी हमारे देश में मनाए जाते हैं। और हमारे इस धरती में, भारत की धरती में अनेक तरह के नदियाँ जन्म धारण करके हमारे चारों तरफ बहती है। इसीलिए उसी के साथ हमारा भारत माता की धरती के गर्भ में अनेक खनिज रूपी संपत्ति को रखा हुआ है। सभी से लिए हमारा धरती दूसरे धरती ज्योतियों से विभिन्न होती है। हमारा जन्म, हम सभी का जन्म भी इस हमारे भारत धरती में हुई है, इसलिए हमारा जन्म धन्य होता है। इस महान कविता का कवि है, इस भारत की धरती पद्य का कवि का रचयिता है डॉक्टर पुण्यम चंद्र मानव है। डॉक्टर पुण्यम चंद्र मानव जी के द्वारा भारत की धरती पद्य रचना किए गए हैं। इन महान व्यक्ति का जन्म, इस भारत की धरती रचना हुआ, इस महान कविता का कवि का जन्म 24 फरवरी 1932 का अर्थ है 1932 है ईस्वी में भिवानी, ये हरियाणा राज्य में है। आपके जन्म हरियाणा राज्य में हुई है। कवि ने इस पद्य के बारे में हमको क्या बताने जा रहे हैं कि इसमें भारत के विभिन्न प्रांतों के, हमारे धरती के विभिन्न प्रांतों के गौरवमय इतिहास के बारे में और हमारे देश की संस्कृति के बारे में और इसके साथ कर्नाटक के प्रति, इसी के साथ गौरव संस्कृति के साथ कर्नाटक के गौरवपूर्ण भावनाओं को एक माला जैसा पिरो कर हमने चयन करने की कवि का आशय है। बच्चों, इस पद्य का मुख्य उद्देश्य है मानवता। बच्चों ने अपने मन में उत्साह उमंग के साथ देश की महानता से अवगत कराने ये पद्य का मुख्य उद्देश्य है। इस पद्य में कवि जी ने हमें बताने चाहते हैं कि हमारा देश में जन्म लिए हुए महाव्यक्तियों के बारे में और हर एक राज्यों में उस राज्य का व्यवस्था के बारे में और उसी का प्रसिद्ध कहावतों के बारे में हमें बताने जा रहे हैं। पहला पंक्ति इस प्रकार है, भारत माता की धरती वीरों संतों का धरती है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। रामकृष्ण की जन्मभूमि मन में मुदुमंगल बरती है। हमारी मन में मुदुमंगल बरती है। इस प्यारा में वीरों, धरती का मतलब है अर्थ है और वीरों का मतलब है ग्रेट है और मुदुमंगल मीन्स प्रसन्नता देना है, इसका अर्थ प्रसन्नता देना है। जो रामकृष्ण है, जो
हमने पूजा करने वाले पूजनीय भगवान है। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं, इस भारत धरती, हमारे भारत धरती में वीरों को और साधु संतों को जन्म धारण किए गए महान भूमि है। इस भूमि पर, इस पवित्र भूमि पर श्री राम कृष्ण जैसे महान व्यक्तियों को हमारा भारत माता ने जन्म दिए है। इसीलिए हम सभी यहाँ बहुत प्रसन्नता से रहते हैं। इन महान व्यक्तियों ने अपने जन्म, अपने देश में, अपने भूमि में धारण किए गए वो मिट्टी का महत्व से हम सभी यहाँ बहुत प्रसन्नता से रहते हैं। अगले प्यारा में कवि ने अगले प्यारा में उत्तर में उत्तर प्रदेश काशी प्रयाग के साथ हरिद्वार जहाँ मलिक मुहम्मद के कबीर के तुलसी के उद्गार जहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ से तीर्थों का यह स्थान भी पावर। माखन भोगने वाला कृष्ण कन्हैया मन भावर। यही भूमि रावण कंसों से दर्प धलन भी करती है। भारत माता की भूमि वीरों संतों की भूमि है। कवि ने इस पद्य में हमें क्या बताने जा रहे हैं कि हमारे भारत की तत्व तीर्थ स्थलों के बारे में हमें यह बताने चाहते हैं। उत्तर में हमारा देश के उत्तर में उत्तर प्रदेश में काशी और हरिद्वार विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। काशी और हरिद्वार विश्व प्रसिद्ध की तीर्थ स्थलों में एक होता है और यहाँ उत्तर प्रदेश में काशी में यहाँ मलिक मुहम्मदों के और कबीर तुलसी ऐसे महान साधु संतों के तत्व पदों को लिखने का स्थान यहाँ उत्तर प्रदेश होते हैं और बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे तीर्थ यात्रों की विश्व प्रसिद्ध स्थानों यहाँ उत्तर प्रदेश में होते हैं। काशी और हरिद्वार के साथ बद्रीनाथ केदारनाथ ऐसा महान जगह महान तीर्थ यात्रों की पुण्य भूमि उत्तर प्रदेश है और मखान के भोगन लगाने कृष्ण कन्हैया भी यहाँ पैदा हुआ है। इस महान व्यक्तियों के साथ कृष्ण भगवान के साथ और कंस ऐसे रावण कंस जैसे दुष्टों ने भी इस जगह में जन्म ली है। उनकी दुष्टता को संहार करने के लिए उस भूमि पर उत्तर प्रदेश में श्री राम कृष्ण जैसा महान व्यक्तियों को भी जन्म से इस दुष्टों को संहार किए गए हैं। इसीलिए हमारा भारत की धरती वीरों संतों की धरती है। इस दुष्टों को नाश करने के लिए और हमारी धरती के रक्षणा के लिए इस महान व्यक्तियों को जन्म हुआ यह पुण्य भूमि उत्तर प्रदेश है। कवि आगे की पंक्तियों में मस्तक ऊंचा किए हिमालय जिसके बल पर खड़ा हुआ है यह पंजाब केसरी है अपने ही बल पर अड़ा हुआ। रण में तेग बहादुर जिसका बच्चा वीर है। भजन भाव में गुरु नानक
हिमालय और हिमालय पर्वत और पंजाब के बारे में कुछ जानकारी हमें बताने चाहते हैं। और मस्तक ऊंचा किए, हमारा भारत के मस्तक पर सिर पर हिमालय पर्वत है। ये बहुत बड़ा विश्व प्रसिद्ध पर्वत है हिमालय पर्वत। हमारे भारत के सिर पर हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है। वो किसके बल पर खड़ा हुआ है? हमारा भारत की धरती के बल पर वो इतना बड़ा पर्वत खड़ा हुआ है, भारत की धरती पर खड़ा हुआ है। और जिसके और पंजाब के केसरी, हमें पंजाब के केसरी को किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बच्चों? पंजाब केसरी कहे तो लाला लाजपत राय को हमें पंजाब का केसरी कहते हैं। ओ ऐसा महान व्यक्तियाँ उतना ही अपने वीरों से शक्ति भरकर उस राज्य में दर्पण किए गए हैं। कहाँ? पंजाब में। लाला लाजपत राय जैसे महान वीरों ने उस धरती उस राज्य में पैदा हुआ है। रण में तेग, रण का अर्थ है युद्ध करने की भूमि, युद्ध करने की स्थल को हम रण कहते हैं। रण में तेग बहादुर जिसका, उनको वीरता को दिखाई देने वाले महत्तर रण भूमि इस देश में उस राज्य में है। कहाँ है वो? पंजाब राज्य में है। इसमें अपने वीर पिताओं ने शहीद के साथ मीन्स वो युद्ध में लड़ते मरने वालों को वीर शहीद कहते हैं। उसी वीर शहीदों के बच्चे भी वो युद्धों में युद्ध करके वीर मरण को प्राप्त किए हैं। इसीलिए वो राज्य बच्चों ने भी वीर मरण से शहीद हो गए हैं। और भजन भाव से उस धरती में, उस पंजाब राज्य में भजन भावों से गुरु नानक का वाणी जैसा धीर है, जैसे महासंतों में से सुप्रसिद्ध गुरु नानक जी का वाणी वो राज्य में उतना वो धीर दिखाते हैं बच्चों और लोगों से शक्ति उन पर आक्रमण होता है कि उसको वाणियाँ उतना स्टैंडर्ड से वहाँ लिखा हुआ है। जिस धरती की गर्जन से, किस धरती की गर्जन से? यहाँ पंजाब राज्य की गर्जन से जगती को गर्जन डरती है। इन्हें जगत वो डर से डरती है। इसीलिए हमारे भारत माता की धरती, वीरों संतों की धरती कहते हैं। हम हमारे इस धरती को वीरों संतों की धरती भी कहते हैं। इसीलिए इतना महापुरुषों ने अपने युद्ध में वीर मरणों को पाकर योद्धा ने इस भूमि पर पैदा हुआ है। इसलिए हमारा धरती बहुत ग्रेट होता है। अगले प्यारा में कवि ने वेद और उपनिषद ज्ञान गीत का तत्व प्रदाता है। वेद उपनिषद और ज्ञान गीत का तत्व प्रदाता है इस भूमि। सरस्वती सरिता तट वैदिक मंत्रों को उद्गाता है। वैदिक मंत्रों को इस नदी पर उद्गा रहे हैं। हरित भरित हरियाणा अर्जुन भीम युधिष्ठिर का स्थल है। हरित भरित हरियाणा किसका जन्म स्थल है? अर्जुन भीम युधिष्ठिर का स्थल है। धर्म कर्म संस्कृति सभ्यता, धर्म कर्म और संस्कृति सभ्यता बल पौरुष का संवाद है। ये बल पौरुषों का संवाद है। इंद्रप्रस्थ के सम्मुख इंद्रपुरी भी पानी भरती है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। इस पंक्तियों में भारत की संस्कृति के बारे में कवि कहने चाहते हैं। इस राज्यों में वेद उपनिषद हमारे देश की संस्कृति संपत्ति को बढ़ाने वाले बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है वेद और उपनिषद। और ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है भगवत गीता। इससे हमारा ज्ञान अर्जन भी अधिक होता है।
और इस तत्व पदों से तत्व वाक्यों से हमारा धरती को झागंड बताते हैं। इस सरस्वती सरिता तट पर वैदिक मंत्रों से उद्गार सुनने को बहुत आनंद मिलता है। और हरित भरित हरियाणा राज्य तो एवरग्रीन राज्य कहते हैं, क्योंकि उस राज्य में हरियाली देखने को उतना सुंदर से लगती है। हरियाणा राज्य को प्रकृति माता ने बहुत से बहुत हरा भरा से वो राज्य को संभाल कर रखी है। इसीलिए उस महान उस प्रकृतिमय राज्य में अर्जुन भीम युधिष्ठिर का जन्म हुआ है। और धर्म कर्म संस्कृति का बल पर वो राज्य खड़ा हुआ है। और इंद्रप्रस्थ के समूह को और दिल्ली में रहने वाले इंद्रप्रस्थ भूमि भी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध होता है। हमारा देश में वो सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध इंद्रप्रस्थ की भूमि है। इसीलिए भारत माता की भूमि वीरों संतों की भूमि होते हैं। और अगले प्यारा में बच्चों आगे की पंक्तियों में कवि राजस्थान चलो तो सुन लो राणा की हुंकार, सुन लो राणा की हुंकार यहाँ, राणा की हुंकार सुन लो यहाँ। और हल्दी घाटी की चट्टानों पर खनके तलवार जहाँ स्वाभिमानी से ऊंचे मस्तक झुके नहीं कट सकते। युद्ध क्षेत्र में घोरा बादल खट कर भी हट सकते हैं। युद्ध क्षेत्र में घोरा बादल खट कर सकते हैं। जहाँ वीरता सेनानी जौहर की कीर्ति निकलती है भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। इस पंक्तियों में राजस्थान के बारे में कवि हमें राजस्थान के बारे में कह रहे हैं। इस पंक्ति में राजस्थान के बारे में कहा हुआ है राजस्थान चले तो वहाँ राणा की हुंकार। राणा कहे तो महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप को हमें राणा कहते हैं। उस राणा प्रताप का हुंकार को हमें सुनना मिलती है। कहाँ मिलती है? राजस्थान में मिलती है। हल्दी घाटी की चट्टानों पर उन्होंने धीर से अंग्रेजों के साथ युद्ध करने का वो चिन्ह हमें अभी भी देखने को पा सकते हैं। कहाँ पा सकते हैं? हमें राजस्थान में। उस समय में उन्होंने अंग्रेजों के साथ उतना वीर से युद्ध उनके साथ किया गया है, वो भूमि को हमें हम देख सकते हैं। और स्वाभिमानी के ऊंचे मस्तक उन्होंने अपने युद्धों में धीरों ने अपने युद्धों में स्वाभिमानी के मेंटालिटी से उन्होंने कभी भी दूसरों के शत्रुओं के साथ उन्होंने अपने सिर नहीं झुकाते थे। लेकिन उसका अंत आया तो उनकी सिर को अपने आप ही काट कर अपने प्राणों को बलि देते थे। उस धीरों ने राजस्थान में राणा प्रताप जैसे महान व्यक्तियाँ वो भूमि पर पैदा हुआ है। उन्होंने कभी भी दूसरों के शत्रुओं के सामने सिर नहीं झुकाते थे। युद्ध क्षेत्र में गोरा बादल उतना ऐसे करते थे। युद्ध क्षेत्रों में अपने आप को अर्पण कर अपने हमारा भारत भूमि को अंग्रेजों से बचाने के लिए अनेक महापुरुषों ने अपने प्राणों को रण में बलिदान दिए गए हैं। यहाँ वीरता के सेनानी वीरता के पत्नियाँ भी जौहर की कीर्ति का मतलब है वो पति मरने के बाद युद्ध क्षेत्रों में पति मरने के
था वो राज्य में थे राजस्थान में, वो अपने पतियों ने अपने पति वीर मरण के साथ युद्ध क्षेत्र में रणों में युद्धों में अपने पतियां मर गए, तो उनकी पत्नियां क्या करती थी, जलाने वाले आग में अपने आप को कूद कर अपने प्राणों को दे देते दे। ऐसा महान भूमि है और राजस्थान की धरती, इसीलिए हमारा भारत की धरती वीरों संतों की धरती होती है। इसीलिए बच्चों आज की क्लास यही से मैं समाप्त करती हूँ, अगले भाग को हमें नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।